तो वह लोग एक 10 साल का छोटा मोटा सा मामूली सा छोकरा अचानक से बन गया करोड़पति। और उससे पहले भाई लोग मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इतनी छोटी सी उम्र में करोड़पति बन जाओ तो लड़कियों के साथ यस करोगे या दुनिया घूमेंगे? तो चलिए भाई लोग आटू जाटू बातों को काट कर मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। तो भाई लोग कहानी की शुरुआत होते ही हम एक जुबैर नाम के बंदे को देखते हैं। अभी जुबैर को उसकी बीवी के साथ कुछ ज़्यादा ही नहीं बनती थी भाई लोग, इसलिए इन दोनों का केस कोर्ट में चल रहा था और कोर्ट ने जुबैर को साफ साफ ये हुक्म दिया था कि तुम अपने बेटे से महीने में सिर्फ 5 दिन ही मिल सकते हो, वरना उस छोकरे से दूर रहना साले, वरना तुझे जेल में डाल देंगे बावले। अभी भाई लोग वो दिन आ चुका था जब हमारे जुबैर को उसके बेटे से मिलने का टाइम आ चुका था, इसलिए वो अपने बेटे को स्कूल से पिक करता है और अपनी कार में बिठाकर अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए निकल लेता है। हालांकि जुबैर के बेटे को जुबैर जरा भी पसंद नहीं था क्योंकि वो उसे एक बुरा बाप समझ रहा था, लेकिन जुबैर उसे समझाता है कि बेटा तू जैसा सोच रहा है वो ऐसा मैं नहीं हूँ, और तेरे लिए बावले मैं जी जान लगा सकता हूँ और अपनी जान भी दे सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। दोपहर के वक्त जुबैर अपने बेटे को शॉपिंग करवाता है और रात को दोनों एक होटल में नाइट आउट करते हैं। शाम को जब जुबैर अपने बेटे के साथ कमरे में सोने जाता है तभी जुबैर की वाइफ का उसके बेटे पर कॉल आता है कि बेटा तू ठीक तो है ना, वो जुबैर साला तुझे तंग तो नहीं कर रहा है, वरना डाल दूँ उसे कोर्ट में मैं। लेकिन तभी उसका बेटा कहता है कि माँ तू टेंशन ना ले, मैं सही सलामत हूँ। जुबैर का लड़का देखता है कि उसके बाप की बैग में कुछ अनमोल चीज़ है, लेकिन तभी वो उसे अनदेखा कर देता है और वो अपने बिस्तर पर जाकर आराम से सो जाता है। अगले दिन जुबैर अपने बेटे को कहता है कि चल बेटे हम एक काम निपटा कर आते हैं बाजू के शहर में यानी कि कोलंबिया में। वो दोनों वहाँ पर जाने के लिए निकल जाते हैं। कोलंबिया में जाकर एक घर में जुबैर अपने बेटे को ठहरा देता है और उसे कहता है कि तू यहीं पर रुकना और खाना पीना ऑर्डर करके खा लेना, मैं थोड़ा सा काम निपटा कर आता हूँ। अभी धीरे धीरे भाई लोग शाम हो जाती है लेकिन जुबैर अभी तक नहीं आया था। रात के 10 बजे जुबैर आता है तो वो देखता है कि उसका बेटा रूम में नहीं है। वो होटल के मैनेजर से पूछता है और वहाँ पर चारों ओर अपने बेटे को ढूंढने लगता है। स्विमिंग पूल के पास जब जुबैर देखता है तो उसका बेटा वहीं पर बैठा हुआ था। तभी जुबैर की सांस में सांस आती है कि उसका बेटा वहाँ पर सही सलामत है, लेकिन जुबैर के बेटे की यहाँ पर भाई लोग खोपड़ी खिसक चुकी थी क्योंकि जुबैर ने पूरा दिन उसके साथ टाइम नहीं बिताया था, इसलिए वो जुबैर पर थोड़ा सा गुस्सा हो चुका था और वो उसके साथ थोड़ी सी हाथापाई करने लगा था। हाथापाई के चक्कर में जुबैर का बेटा उसे धक्का मार देता है और जुबैर सीधा स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता है। भाई लोग जुबैर के सर में चोट लगी थी इसलिए वो वहाँ पर पानी के अंदर ही बेहोश हो चुका था, लेकिन जुबैर का बेटा और होटल के स्टाफ वाले जुबैर को अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। शॉर्ट में कहूँ तो भाई लोग यहाँ पर जुबैर आसानी से बच जाता है, उसकी जान इस हादसे में नहीं जाती। थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक नर्स आती है और वो जुबैर को कहती है कि आपसे मिलने के लिए एटम नाम का बंदा आ रहा है। अभी एटम नाम सुनकर जुबैर बुरी तरह से भाई लोग घबरा चुका था। वो अपने बेटे को कहता है कि तू साले यहाँ से निकल जा और थोड़ी देर के बाद इस रूम में एंटर होना, जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ पर आना मत। लेकिन उसका बेटा शातिर था, वो भाई लोग साइड में छुप गया था कोने में और वो ये देखना चाहता था कि कौन उसे मिलने आ रहा है और कौन नहीं। जुबैर से मिलने के लिए आए हुए दो लोग जुबैर को पार्किंग लॉट में ले चलते हैं जहाँ पर जुबैर की कार खड़ी थी। वहाँ पर वो जुबैर से कीमती आइटम ले लेते हैं और उसे पैसा नहीं देते, मतलब कि उसे वो दोनों मौत देना चाहते थे भाई लोग, और हाथापाई करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर छुपा शैतान जुबैर का बेटा पहुँच जाता है और एक बंदे के पैर में गोली मार देता है और वहाँ पर कंट्रोल सिचुएशन अपने काबू में कर लेता है। जुबैर का बेटा अपने बाप को कहता है कि साले तो अपनी कीमती चीज़ ले ले और चल हम दोनों यहाँ से निकल लेते हैं। जुबैर भाई लोग वैसा ही करता है और वो अपनी कीमती चीज़ और अपने बेटे के साथ अपनी कार में लेकर वहाँ से आराम से निकल लेता है। रास्ते में जुबैर का बेटा अपने बाप को उस कीमती चीज़ के बारे में पूछता है, लेकिन तभी जुबैर वो कीमती पेंटिंग अपने बेटे को दिखाता है और उसे कहता है कि ये एक अमेरिकन म्यूजियम से चोरी की गई हुई पेंटिंग है और ये बेटा एक एंटिक पेंटिंग है जिसकी कीमत बाजार में 10 मिलियन डॉलर है।
तभी बैलोक जुबेर का बेटा कहता है कि काश पपाया मेरी होती, लेकिन जुबेर कहता है कि बेटा हमें पैसे की जरूरत है, इसलिए हम इसे बेच डालेंगे। जुबेर वहां से बैलोक निकल लेता है और पास में एक छोटा मोटा सा गांव था जहां पर जुबेर का दोस्त रहता था। जुबेर वहां पर अपने बेटे के साथ वहां पर चला जाता है। शाम का टाइम था, बैलोक और जुबेर देखता है कि उसका दोस्त किसी के साथ छुप छुप कर बातें कर रहा है। अभी बैलोक धीरे धीरे रात होती है और जुबेर और उसका बेटा बुरी तरह से उसी घर में बेहोश हो जाते हैं। जब होश आते हैं तो वो देखता है जुबेर कि उसके सामने दोनों माफिया खड़े हुए थे जिसे ये नया पेंटिंग चाहिए थी और जुबेर का बेटा उन दोनों के कब्जों में था। जुबेर सामने खड़े दोनों माफियाओं से कहता है कि मैंने वो पेंटिंग कहीं पर छुपा रखी है, तुम दोनों मेरे बेटे को उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से जाने दो, मैं तुम दोनों के साथ चलता हूँ और वो पेंटिंग तुम दोनों मेरे से ले लेना। यहाँ पर भाई लोग माफिया जुबेर की बात मान लेते हैं और वो जुबेर को अपने साथ वहाँ से लेकर निकल लेते हैं और जुबेर का बेटा अपनी गाड़ी में घर पर चला आता है। घर पर आकर जुबेर का बेटा चकाचौंध हो चुका था भाई लोग, क्योंकि वो एंटिक पेंटिंग उसी की कार में मौजूद थी, यानी कि जुबेर ने उसे गिफ्ट कर दी थी और उसके साथ एक चिट्ठी भी मौजूद थी। चिट्ठी में जुबेर ने साफ साफ बताया था कि मेरे बच्चे मुझे पता है कि एक ना एक दिन ये दिन ज़रूर आएगा, इसीलिए यह पेंटिंग के साथ तुम पूरी ज़िंदगी ऐसो आराम से रहना और फूलों ने सयासिया करना। माफियाओं की कार को भाई लोग जुबेर ड्राइव कर रहा था, इसीलिए वो ड्राइविंग करते टाइम वो उस कार को खाई में गिरा डालता है जिसमें जुबेर और दोनों माफियाओं की मौत हो जाती है और ये मामला यहीं पर दब जाता है। तो यहाँ पर एक छोकरा बन चुका था करोड़पति आइटम और वो भी उसके बाप की वजह से भाई लोग। तो यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी है मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में। और भाई लोग एक चिलगू से मामू पुलिस वाले की वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो और देखें एक चुलबुली से नोटिस है मामू की मूवी।